हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो आज मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम को, क्योंकि आज मॉर्निंग में मुझे कहीं जाना पड़ गया था। तो अभी कुछ बज रहे हैं शाम के 6, और चलो मैं अपना व्लॉग शुरू कर देती हूँ। मैंने सोचा, क्योंकि बैठे बैठे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग ही बना लूँ। तो अब बस कुछ नहीं, वही जो शाम को जो काम होते हैं वही सब मैं अपना ख़त्म करके बैठी हूँ। और फिलहाल खोखो गया है नीचे घूमने अपनी शाम की वॉक करने के लिए, और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ मैं बॉईल कर रही हूँ दूध। मैं आपको बता दूँ कि आगे आने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस, क्योंकि हम करने वाले हैं ट्रैवल। तो कहाँ करने वाले हैं हम ट्रैवल, वो मैं आपको बताऊँगी जब मैं वीडियो बनाऊंगी। उस वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँ। बट अभी फ़िलहाल मैंने न्यू यूट्यूब का शुरू किया है, तो मुझे इतना पता नहीं है कि कैसे कैसे क्या कॉन्टेंट लाना है। तो जो मुझसे जितना हो पाता है मैं वो करती हूँ। तो आगे आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करिएगा। तो फिलहाल मुझे ये कोको घूम के कोको आ गई, वॉक करके कोको आ गई, और ये आ गया कोको। देखो घूम के कितना खुश है। हाँ बेटू, घूम के आ गया, तू घूमी घूम करके आ गया। हो गया है कोको के खाने का टाइम, तो अब मैं दूंगी कोको खाना, और कोको को यहाँ पे राइस बना दिए। कोको वैसे खाता है राइस, और मैं उसको देखती हूँ ये ग्रेवी वाली पेडिग्री, बहुत प्यार से खाता है उसको। ये आ गया, मिलो कोको से। ये कोको कोको गुंडू गुंडू। तो चलिए मैं कोको को खाना दे देती हूँ, क्योंकि इसका टाइम हो गया खाने का। क्या खाएगा? खाना जा, ये खाए कोको का। कोको और ये है कोको का खाना। तो चलो कोको खा लेते हैं। आलो कोको कम, यहाँ खा ले, आराम से खा ले। तो ये खा रहा है बड़े मजे से कोको अपना। वैसे मैं इसको अभी मैंने इसको 6:30 बजे खाना दिया है, फिर इसको मैं दूंगी रात को डिनर पे 9 बजे खाना। तो चलिए यहाँ पे कोको खाना खाने देते हैं, तब तक हम चलते हैं। मैंने करी है कुछ मीशो से शॉपिंग, और मैंने कुछ सूट सेट शॉप करे थे, तो उसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ, तो मैं आपको बताऊँगी कि वो सूट कैसे लगे मुझे से। तो ये देखिए कौन बैठा है यहाँ पे। अच्छा कुकलू, ये देख कुकलू, हेलो बोलो कुकु, हेलो बोलो। अभी हेलो कुछ भी, हेलो वेलो कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि उसको मिल गई उसकी ट्रीट, तो वो लग गया अपने में ही। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने मीशो से कुछ शॉप किया था, तो वो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या किया। तो गाइस ये हैं वो प्रोडक्ट्स जो मैंने मीशो से बाय किए हैं। तो मैंने इनको अभी तक ओपन नहीं किया, ओपन कर लिया वैसे, फिर मैंने क्यों सोचा कि क्यों ना इनको मैं आपके साथ शेयर करूं इनका रिव्यू। तो चलिए एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। एक्चुअली इसमें 3 मीशो का प्रोडक्ट है और एक पर्पल का प्रोडक्ट है। तो ये मैंने जो पर्पल से मंगाया है, ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट, ये एक्चुअली में है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर। ये देखिए इस तरह की पैकेजिंग में, इस तरह की पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी है। तो मैं इसको खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए ये इस तरह की पैकेजिंग है, और ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मुझे मिला है पर्पल पे। पर्पल पे तो जो लोग पर्पल से शॉपिंग करते हैं उनको पता ही है कितनी अफोर्डेबल प्राइस पे वहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने, और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, देखिए
काफी पिगमेंटेड है ये, देखिए। तो ये मैंने पत्ता से मंगाया है। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरा है वो है ये एक प्यारा क्यूट सा पर्स, ये कुछ इस तरीके का है, फ्लावरी फ्लावरी सा। ये पर्स मुझे पहली नज़र में देखते ही मुझे पसंद आ गया था, क्योंकि मुझे इस टाइप का, मेरे पास पर्स नहीं है तो मेरे को इस टाइप का पर्स चाहिए था। तो ये देखिए इस तरीके का कुछ का लुक है, छोटी सी इसमें चेन दे रखी है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर, बहुत कलरी सी एक चेन है इसमें। और तो गाइज एक ये मैंने मंगाया कुर्ता सेट, ये काफ़ी सिंपल एंड सोवर सा है वाइट कलर का, और वाइट कलर मुझे वही बहुत अच्छा लगता है। तो एक मैंने ये मंगाया है, ये इसका मुझे एक्चुअली जो नायरा कट जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है तो ये उस टाइप का है। तो जब कभी मैं इसको पहनूंगी तो उसका वीडियो मैं आपके साथ पक्का शेयर करूंगी। और इसमें काफ़ी अच्छी एक सिल्वर की सी लेस लगी हुई है, ये देखिए यहाँ पे, जैसे कैमरे में आपको पता नहीं दिख रहा हो कि नहीं। तो ये इसकी ऊपर की नेक की डिज़ाइन है, और फैब्रिक जो इसका है वो है कॉटन। और एक इसके साथ ये आई है इसकी पैंट, पैंट का प्रिंट भी बहुत अच्छा है इसका, और फैब्रिक भी काफ़ी सॉफ्ट है इसका। मतलब एक जिस प्राइस में ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इसकी क्वालिटी। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मेरा बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आया है, क्योंकि मुझे इस टाइप के कलर चाहिए था जो न्यूड सा कलर है। और ये देखिए ये कुछ चिकन का पूरा सेट है, ये चिकन कुर्ता, इसके साथ जो शरारा है ये है इसका शरारा, ये देखिए। और ये बहुत ही प्रिटी है गाइस, कैमरे में ये इतना पता नहीं पता चल रहा है कि, बट सामने ये बहुत ही प्रिटी है। और इसमें रियल मिरर लगे हुए हैं, ये देखिए जो कटनी मिरर होते थे वो लगे हुए इसमें, इसकी वजह से इसका लुक और भी इनहेंस हो के आ रहा है, ये देखिए। तो ये जो मुझे सेट पड़ा है ये 1000 रुपीज का पड़ा है मुझे मीशो पे। तो गाइस मैं कर रही थी यहाँ पे अपने वीडियो की एडिटिंग, और कोको यहाँ पे सो गया है, कितना क्यूट लगता है ये सोते टाइम, इतना बिल्कुल भोला सा बच्चा, वैसे ही भोला सा बच्चा ही है ये, बट इसके शैतानियाँ तो क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पे सो गया है अब, और मैं कर रही थी यहाँ पे अपना काम। चलिए गाइस इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे एक फिर से एक अनदर न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।